टी20 वर्ल्ड कप 2022 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, जिसे लेकर भारतीय टीम के अंदर दमदार बॉलर की तलाश जारी है। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, यहां तक कि भारतीय टीम टॉप फोर में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी। टी20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है और भारतीय टीम पिछले बार मिले हार से सीखते हुए टीम में अच्छे पेसर रखना चाहेगी जो ऑस्ट्रेलिया में बेनिफिट कर सके, क्योंकि टी20 मैचेस में यह निर्णायक होता है कि किसी भी मैच को जीतने के लिए आपके पास कितने बेहतरीन गेंदबाज मौजूद हैं। टीम इंडिया के अंदर बतौर तेज गेंदबाज बुमराह हैं जो हमें खेलते दिखेंगे आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय स्क्वाड के साथ। बात करें बुमराह की तो यह किसी भी गेंदबाज से ज्यादा काबिलियत रखते हैं कि बल्लेबाजों को अपनी गेंद से परेशान कर दे। भले ही IPL 2022 इस खिलाड़ी का कुछ खास गया नहीं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2021 में बुमराह ने 5 मैच खेलकर अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट चटकाए थे। बुमराह भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में एकदम फिट बैठते हैं, तो सिलेक्टर्स बुमराह को भारतीय प्लेइंग 11 में तो रखेगी ही रखेगी, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि और कौन गेंदबाज शामिल होंगे बुमराह के साथ भारतीय टीम में। आज बात करेंगे उन्हीं गेंदबाजों के बारे में जिनकी पूरी संभावना है भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में जाने की, तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। भुवनेश्वर कुमार अच्छी लय में दिख रहे हैं। बात करें उनकी बॉलिंग की तो IPL 2022 में भुवनेश्वर कुमार ने 7 की इकोनॉमी के साथ 12 विकेट चटकाए, तो वहीं 9 जून से हुए इंडिया भर से साउथ अफ्रीका के 5 दिवसीय टी20 सीरीज में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के तरफ से भुवनेश्वर कुमार हो सकते हैं प्लेइंग 11 के सूची में मोहम्मद शमी। भारतीय टीम के तरफ से टी20 वर्ल्ड कप 2021 खेल चुके मोहम्मद शमी एक प्रबल दावेदार है टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए। आंकड़े की बात करें तो मोहम्मद शमी ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2021 में 5 मैचें खेलकर 6 विकेट चटकाए थे, तो वहीं IPL 2022 में उन्होंने कुल 20 विकेट चटकाए। हर्षल पटेल। भारतीय टीम से खेलते हुए हर्षल पटेल आगामी टी20 वर्ल्ड कप में डेथ ओवरों में अच्छी प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी तक के गेंदबाजों में देखें तो हर्षल पटेल डेथ ओवर्स के लिए भारत के पास एक बेहतरीन विकल्प है। वह गेंदों को अलग अलग तरह से फेंक कर बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हैं। जिस तरह साउथ अफ्रीका के साथ हुए मैच में हर्षल ने मिलर को सरप्राइज गेंद फेंक कर आउट कर दिया था। इससे पहले IPL 2021 में हर्षल ने सबसे ज्यादा विकेट लेते हुए पर्पल कप अपने नाम कर लिया था। दीपक चहर। भारतीय टीम को अगर पावर प्ले के लिए गेंदबाज चाहिए तो दीपक चहर से अच्छी विकल्प कोई दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मात्र 63 मैचेस टी20 में खेलकर चहर ने पावर प्ले में 43 विकेट झटक लिए, जो कि एक बेहतरीन आंकड़ा है। दीपक चहर गेंदबाजी के अलावा टीम के लिए बल्लेबाजी भी कर लेने का दमखम रखते हैं। उमरान मलिक। भारतीय टीम के तरफ से आयरलैंड से हुए मैच में डेब्यू करने वाला यह युवा गेंदबाज अपनी रफ्तार से जाना जाता है। IPL 2022 में 22 विकेट चटकाने वाला उमरान मलिक हो सकता है टीम में आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह बना पाए। तो ये थी हमारी रिपोर्ट आगामी टी20 वर्ल्ड कप में शामिल होने का प्रतिभा रखने वाले तेज गेंदबाजों की। आपके हिसाब से कौन हो सकता है वह तेज गेंदबाज जो खेलता हुआ नजर आए आगामी टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में बुमराह के साथ, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह क्रिकेट जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।